खातिर मोबाइल चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। जी हाँ, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना फूलपुर अंतर्गत, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक गंगापाल धवल जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी राम सागर के परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपराधियों की चेकिंग व धरपकड़ जारी है, जिसके क्रम में आज फूलपुर पुलिस ने दो अभियुक्त शिव कुमार व बाल अपचारी संदीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन, कीपैड, 3 चार्जर, 3 ब्लूटूथ, 1 डाटा केबल, 1 तमंचा, 315 कारतूस बरामद किया गया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए दो मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक हीटर, कुछ डाटा केबल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले 25 तारीख को एक फूलपुर क्षेत्र के ही मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना कारी की और उसी संदर्भ में पुलिस इनकी पकड़ के लिए लगातार कोशिश की थी, जिसमें उन्हें सफलता मिली है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका अपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसको पुलिस खंगाल रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या ये किस लिए चोरी करते थे, कुछ बताए हैं? जनरली जो अभी इनिशियल पूछताछ में पता चला है, ये अपने व्यक्तिगत जो इनके शौक थे, जो खर्चे थे, उसको पूरा करने के लिए मोबाइल दुकान से मोबाइल चोरी करते थे और तो स्थानीय रूप से बेचा करते थे। इस संदर्भ में जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं, उनके IMI हमने नोट कर ली है, वो थाने पे उपलब्ध है। जिस किसी व्यक्ति का भी चोरी का मोबाइल गया है, वो IMI मैच करा के अपना मोबाइल विधि प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं।